नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अलीगढ़ में 4 दिवसीय 24 से 27 जुलाई तक खेली गई 14वीं प्रदेश पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में आजमगढ़ के खिलाड़ियों में 2 रजत पदक जीता। 19 जिलों से आए प्रतिभागियों ने अपना दमखम आजमाया। आजमगढ़ के प्रतिभागियों में मोहम्मद साकिर रजत पदक 70 से 75 किलो भार में और रविंद्र नारायण रजत पदक 70 से 75 किलो भार में अपना नाम किया। कुल प्रतियोगिता में अमन सोनकर, विकास मौर्य, सोनू यादव प्रतिभागी रहे। इस अवसर पर आजमगढ़ पंजा कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक ख्वाजा ने सभी खिलाड़ियों की सराहना की। आजमगढ़ पंजा कुश्ती एसोसिएशन के सचिव आरिफ खान ने बताया कि द्वितीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय पंजा कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर संस्था के उप सचिव मोहम्मद तंजीम ने सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और इस अवसर पर सभी सदस्य समेत कोच कुलदीप उपस्थित रहे। मैं आरिफ खान आजमगढ़ से, आजमगढ़ पंजा कुश्ती एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और राज्यस्तरीय निर्णायक। मैं इससे पहले 4 दिवसीय ये जो हुआ था पंजा कुश्ती का जो है प्रोग्राम हुआ था अलीगढ़ में, जिसमें हमारे यहाँ से 5 प्रतिभागी रहे, जिसमें से 2 रजत पदक प्राप्त किए और 3 जो हैं पार्टिसिपेट में रहे। और जो रजत पदक प्राप्त किए हुए हैं उनके लिए जो है चयन किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त को चैंपियनशिप होने वाला है 16 अगस्त को। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।